तो हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर। ये आप लोगों ने पिछले पार्ट वाले वीडियो में देखा था, ये इसका सेकंड पार्ट है, तो इसलिए आके पहला पार्ट देखिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो देखिए अभी हम लोग सेकंड डे टू चालू, अभी हम लोग महाबलेश्वर में सुबह सुबह स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ का सबसे फेमस चीज़ स्ट्रॉबेरी है। और यहाँ का मलबेरी यानी शहतूत जो ब्लैक ब्लैक रहता है, यहाँ स्ट्रॉबेरी, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हर जगह लगेगा आपको, मार्केट एरिया में, पॉइंट पे, हर जगह मिलेगा। और इसका जूस, इसका आइसक्रीम, इसका शेक हर जगह मिल रहा था। तो अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ से, क्या बोलते, स्ट्रॉबेरी और मलबेरी। तो हम लोग ने 1 kg स्ट्रॉबेरी लिया, और जो बॉक्स में आता है शहतूत मलबेरी, उसको हम लिए। ये देखिए बॉक्स में पैक कर रहे हैं, और अभी हम इसको घर पे आके खाएंगे। यहाँ पे अंकल ने हम लोग को टेस्टिंग के कारण गाइस बहुत ज़्यादा दिए थे, अच्छा भी लग रहा था। दो दो मिनट में के लिए टेस्ट कीजिए, हम लोग बात ही कर रहे थे कि पैक करो, तो उसमें से अंकल ले जा रहे थे स्टील की पूरा टब भर के उनके पास है। ये देखिए ये रहा मलबेरी, इसको हम लोग एक डिब्बा लिया बॉक्स में, और 1 kg स्ट्रॉबेरी लिए। तो अभी यहाँ से लेने के बाद अपने पॉइंट की तरफ चलेंगे, और आज हम लोग को पंचगनी भी कवर करना है, और यहाँ का सबसे फेमस मेन चीज़ मैप्रो गार्डन। देखो अभी हम लोग शहतूत खा रहे हैं, अंकल ने मेरे को ऐसी फ्री में दे दिए कि चलो बेटा खाओ, तो हम लोग मैं खा रहा है इसके। देखिए बहुत अच्छा था, मीठा भी था। अभी देखो हम लोग कार के पास आए, अभी हम लोग आए हैं सावित्री पॉइंट। यहाँ पे 3 पॉइंट एक ही जगह पे, सावित्री पॉइंट, इको पॉइंट, एक और पॉइंट, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट है, पर वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक ऐसा वहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है, इसलिए वहाँ पे 1 पॉइंट बना दिए। ये देखिए अभी हम लोग घूम रहे, तो इको पॉइंट तो हम लोग को पता है, ये तो माथेरान में भी था, जो चिल्लाते हैं वापस रिटर्न होती आवाज़, तो हम लोग वहाँ चिल्लाए, आज बहुत हल्का हो रहा था, माथेरान में ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती थी। तो यहाँ भी इको पॉइंट है, यहाँ पे सावित्री पॉइंट भी है। यहाँ पे कार पार्किंग का कोई चार्जेस नहीं है, और जैसे कि आप लोग, मैंने आप लोग को बोला था कि पिछले वीडियो में भी महाबलेश्वर में CNG नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल है। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट भी बना था कपल लुक के लिए, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखिए रोज से इसको बना के रखे थे, इसका ये पैसा था, ये देखिए हार्ट बना के रखे, इसके अंदर फ़ोटो खींचने का ऐसा पैसा था आपका, 3 पोज 2 पोज। यहाँ पे गाइस आप लोग को बताओ सबसे मेन चीज़, यहाँ पे ना गोलमाल वाली बाइक भी है, येल्लो वाली, ये देखिए ये येल्लो वाली बाइक जो गोलमाल में पिक्चर में 1 में भी आई है, 2 में भी आई है, 1 में ज़रूर आई है। और ये देखिए ये 3 एडिट वाला, ये तो लोगों ने ऐसा बनाया है, ये तो रियल नहीं है कि वही है। ये देखिए ये राइको पॉइंट पर गोलमाल वाली रियल बाइक है, और लोग ऑफिशियल बोल रहे हैं कि जो उसका मालिक है वो ख़रीद के यहाँ पे रखा है। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर लोग अगर लोग कभी को और गोलमाल बनाना रहा पार्ट, अगर वो गाड़ी लेंगे तो आप देंगे क्या, बोले वो इसके ऊपर है। तभी मेरे को वो बाइक अच्छी लगी, उसके साथ फ़ोटो भी खिंचाया, उसका चार्ज भी था फ़ोटो खिंचाने का, और 3 एडिट वाला जो पोज है उसका भी चार्ज था। ये देखिए ये रहा इको पॉइंट, बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, तो यहाँ पे नीडल पॉइंट भी देखिए, नीडल पॉइंट यहाँ पे एलिफेंट का सर, जो मैंने कहा यहाँ से जो पॉइंट पे खड़े हैं ना वो पॉइंट पे दिखेगा नहीं एलिफेंट का हेड, पर देखिए दूर से देखेंगे तो दिखेगा। वहाँ पे ना ऐसा एलिफेंट का सर बना है, तो इसलिए उसको ये नीडल पॉइंट बोला गया। ये देखिए बाइक, ये देखिए इस पर नंबर प्लेट नहीं, यहाँ पर गोलमाल लिखा है। ये है सावित्री पॉइंट, ऐसे ये बना है देखिए आपने, शूटिंग नीडल पॉइंट, ये ऐसे ही एलिफेंट का सर। यहाँ पे गाइस बहुत सारे सेलिब्रिटी है, यहाँ पे शूटिंग बहुत हुई है, और यहाँ महाबलेश्वर में शूटिंग बहुत हुई है, और पंचगनी में भी, और पंचगनी का तो एक स्कूल भी है जो आमिर खान के पिक्चर में लिया गया है। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, यहाँ पे ज़्यादातर पॉइंटों पर हॉर्स राइडिंग, हर जगह हॉर्स राइडिंग है। तो अभी हम लोग आए स्ट्रॉबेरी वैली, जो हम लोग के रास्ते में मिल गया था। अभी हम लोग जा रहे थे एक्चुअली में मैप्रो गार्डन पर, हम लोग को इस बीच में देख गया स्ट्रॉबेरी वैली। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिखा रहा था कि कैसे करते हैं गार्डनिंग, यहाँ पे मिल भी रहा था स्ट्रॉबेरी का प्लांट, यहाँ पे अंदर आइसक्रीम भी खाएंगे अभी हम लोग। यहाँ पे आइसक्रीम का स्टॉल, फ्रेंच फ्राइज और भी बहुत सारे खाने की चीज़ भी, होटल भी था अंदर, और वो ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड और मलबेरी से रिलेटेड जूस, मिल्क शेक, आइसक्रीम, ये सब था यहाँ पे। देखिए बहुत ब्यूटीफुल गार्डन, मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे, थोड़ा फ़ोटोज़ खिंचाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हार्ट का बना हुआ है, और भी बहुत सारे पोज है जहाँ पे अच्छे खींचेंगे हम लोग। इसके आजू बाजू भी बहुत शॉप थी आइसक्रीम की, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ में बहुत सारे फीचर, वेलकम टू स्ट्रॉबेरी गार्डन, इसके साथ में फोटो भी खिंचाई, देखिए मुझे यहाँ पे फ़ोटो बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग फ़ोटो खिंचाएंगे, फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी प्लांट के अलावा और भी बहुत सारे प्लांट ग्रो कर रहे थे, टाइप्स ऑफ प्लांट और भी बहुत सारे थे प्लांट।
पे दो टाइप की प्लांटिंग कर रहे थे, क्या बोलते ऐसा कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर उगाए थे और एक जो ज़मीन के अंदर उगाए थे स्ट्रॉबेरी गार्डन। ये देखिए ये कार्डबोर्ड वाला और ये ज़मीन के साथ जो है जो ज़मीन पे उगाए, और ये देखिए ये कार्डबोर्ड पे, तो कार्डबोर्ड वाला उस तरफ था, ये है ज़मीन में। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोटो भी खींचे हम लोग ने। यहाँ से अभी हम लोग आइसक्रीम खाएंगे। यहाँ पे कॉकटेल था, मॉकटेल था, मोहितो था, और भी बहुत सारी चीज़ थी, ड्रिंक्स बहुत सारे अच्छे अच्छे थे। यहाँ पे अभी हम लोग का ऑर्डर बन रहा है, हम लोग दो आइसक्रीम बोल रहे थे और एक प्लेन स्ट्रॉबेरी जूस और एक मलबेरी मिल्क शेक विथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। हम लोग चार चीज़ मंगाए थे अलग टाइप के। यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज भी मंगाए गए अभी हम लोग, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज भी था और यहाँ पे और कॉर्न पेटीज भी मंगाएंगे। यहाँ पे कॉर्न पेटीज भी हमको हर जगह दिख रही थी और मैगी भी महाबलेश्वर में, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड में दिख रही थी। ये देखिए हम लोग आइसक्रीम आ गया, ये देखिए इसमें जो हम लोग को स्पून दिए थे ना इतना लंबा था ना, मतलब गिलास के ऊपर था ना इसके लिए। ये देखिए ये रहा फ्रेंच फ्राइज, यहाँ से फ्रेंच फ्राइज भी खाए, मुझे बहुत टेस्टी लगा, एकदम गरम गरम था, सॉस के साथ में खा रहा था और सिजवान भी था। और अभी हम लोग कॉर्न पेटीज भी ऑर्डर करे हैं, वो आता ही होगा। ये रहा कॉर्न पेटीज, इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगा क्योंकि मैं पहले खाया नहीं था, यहाँ पे मैं सुना था और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, इसको मैं सेजवान और सॉस के साथ खाया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यहाँ से हम लोग को चल के जाना पड़ रहा है। सॉरी दोस्तों, अब मैंने गलत बोल दिया कि सावित्री पॉइंट यहाँ है और वहाँ पे शार्प नीडल पॉइंट और इको पॉइंट था, बस दो ही था, मेरे को लगा वहाँ पे सावित्री पॉइंट है, तो यहाँ पे है सावित्री पॉइंट, वहाँ पे इको नीडल पॉइंट था। तो अभी ये देखा वहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, मेरे को अच्छे अच्छे रॉक दिखे थे उसमें फ़ोटो खिंचाया पत्थरों पर। ये रहा सावित्री पॉइंट, ये देखिए यहाँ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था सामने का पहाड़। तभी हम लोग जा रहे हैं वैक्स म्यूज़ियम के, यहाँ पे जो हम लोग को रस्ते से उतरते हुए देखिए यहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम, इसके अंदर वैक्स है बहुत सारे, सलमान खान, कैटरीना कैफ और भी बहुत सारे हीरो हीरोइन का। यहाँ पे गो कार्टिंग भी हो रही थी गाइस, ये देखे, पर रियल वाली तो नहीं हो सकी, पर यहाँ पे बनाया है उस तरीके से अच्छा, यहाँ पे ये देखा मैंने। और यहाँ पे एक्वेरियम भी था, यहाँ पे अच्छे अच्छे फिशेज, फ्लोरोन और भी बहुत सारे फिशेज थी। तो अभी हम लोग तीनों पर नहीं गए क्योंकि ये सब हमें दूसरे पॉइंटों पर जाना था, इसके लिए हम लोग नहीं गए। तभी हम लोग सिर्फ आए यहाँ पे, फ़ोटो खिंचाया, थोड़ा रेस्ट लिए और फिर तुरंत चल गए हम लोग यहाँ से। यहाँ पे शूटिंग भी हो रही थी और भी बहुत सारे खेल भी थे यहाँ पे। ये रहा सामने देखिए एक्वेरियम, इसके अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे अच्छे फिशेस नहीं थी, सिर्फ फ्लोरोन, जो सादी फिशेस रहती नॉर्मल बड़ी बड़ी शार्क, तो बोलिए वो सब तो हम लोग घर में भी पाल चुके हैं तो उसमें इतना वो नहीं है। और ये रहा मैक्स म्यूजियम देखिए यहाँ पे, फिर हम लोग फ़ोटो खिंचाया ज़रूर, मैं फ़ोटो ज़रूर खिंचाया इसके यहाँ से। अभी हम लोग आए हैं मैप्रो गार्डन गाइस, ये मेन चीज़ है मैप्रो। जैसे हम लोग एंटर हुए देखिए खाखरा फैक्ट्री हम लोग को स्टार्टिंग में मिल गए गेट के यहाँ पे। यहाँ पे स्टार्टिंग में ना बड़ा हमें स्ट्रॉबेरी का वो भी बना था मॉडल, तो वहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और ये रहा खाखरा, यहाँ पे खाखरा बन रहा था, खाखरा की फैक्ट्री थी अच्छी खासी। तो हम लोग अंदर चलते हैं, शॉपिंग भी करेंगे, अंदर मॉल एक तरह का अच्छा खासा मॉल है, यहाँ पे टेस्टिंग के लिए भी देते हैं, अगर टेस्ट करना है तो टेस्टिंग के लिए भी देंगे। तो देखिए हम लोग एंटर हो रहे हैं अभी इसके अंदर, अंदर ये मॉल है। तो अभी हम लोग सबसे पहले पियेंगे यहाँ से ये लेमन स्कॉच, ये देखिए यहाँ पे जो जो टेस्टिंग करा रहे हैं यहाँ पे मिलता है, इसके लिए हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं। ये देखिए लेमन स्कॉच है, ये काफ़ी टेस्टी था, मुझे अच्छा लगा, चाय के कप में दे रहे थे गाइस। पर अभी हम लोग अभी सब देख रहे हैं ग्रीन एप्पल फ्लेवर, इससे हम लोग स्प्राइट में मिला के अच्छा खासा सीना बना सकते हैं। देखिए और यहाँ पे ऑफ़र भी था, दिवाली का ऑफ़र अभी तक का यहाँ पे था महाबलेश्वर में, यहाँ पे एक पे एक लेंगे तो एक फ्री था। यहाँ पे ग्रीन एप्पल और मोहितो भी था, तो मोहितो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे देखिए बेफर भी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम ये देख रहे थे सब।
यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉबेरी का जूस भी पिए, जो जो रहता है 1 लीटर की बॉटल्स को 5 लीटर के दूध में मिलाएंगे तो बनेगा। यहाँ से देखिए हम लोग जैगरी भी खाए, कुकी जो गुड़ की बनी हुई थी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। देखिए यहाँ पे गार्डन भी तंदर, देखिए इतना ब्यूटीफुल से क्रिएटिविटी करे गए, प्लांट को अच्छे अच्छे शेप में बना के रखे। ये देखिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए टेबल टॉप, तो हम लोग को ज़्यादा ही लेट हो गया यहाँ पे पहुँचते पहुँचते, हम लोग को थोड़ा जल्दी पहुँचना चाहिए था। ये देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग यहाँ पे, हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छा लगा। तो ये हम लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन भी देगा, यहाँ पे पांडवों का चूल्हा था, यहाँ पे 5 पहाड़ है, 1 2 3 4 5 पहाड़ है, यहाँ पे कयामत से कयामत तक का पिक्चर की शूटिंग भी हुई है जो आमिर खान ने की थी, और भी बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी पिक्चरें बनी यहाँ पे, हिस्टोरिकल बहुत सारी बातें भी है। हाँ पांडव के पैरों के निशाने देखो, ये पांडव मानो तो भगवान है, तो पत्थर ये 5 पांडव के पैरों के निशाने देखो, जो आपको चूल्हा दिखाया ना वो 5 पांडव का, वैसा वो 5 पांडव के पैरों के निशाने इधर आपको मंदिर गए थे। वो वही गांव है जो कयामत से कयामत तक का दिखाया गया था कि उन लोग आते हैं यहाँ पे मंदिर में रहते हैं, नीचे गांव रहता है, विलेज टाइप रहता है। और अभी हम लोग फिर वापस हॉर्स पे बैठे, हमें आगे बैठा था, ये देखिए हॉर्स के साथ में फोटो भी खिंचाया था। ये देखिए अभी हम लोग हो गया हॉर्स राइडिंग करके, हमें यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट था, यहाँ पे अम्यूजमेंट भी था, यहाँ पे हॉर्स राइड अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से व्यू सीनरी अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम यही जो पॉइंट है, पहला पॉइंट जो एकदम सीधा है, एकदम सीधा पॉइंट है ये, और यहाँ पे अम्यूजमेंट भी अच्छा खासा, जाइंट व्हील भी अच्छे अच्छे झूले है यहाँ पे हॉर्स राइडिंग। यहाँ पे ये बग्घी भी थी, जो छोटी बड़ी बग्घी रहती है, यहाँ से व्यू इस पर बैठेंगे तो ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी देंगे और उसके साथ व्यू भी अच्छा आएगा और मज़ा भी आएगी। इस पर हम लोग अलीबाग पे भी बैठे थे, ये हम लोग का आखिरी पॉइंट होगा महाबलेश्वर का, इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने मुंबई की तरफ। ये देखिए अभी हम सनसेट होने वाला है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट पहुँचे थे, हम लोग का ज़्यादा टाइम गाइस मैप्रो गार्डन में वेस्ट हो गया था। अभी हम लोग पेट्रोल भरा निकल रहे हैं मुंबई की तरफ, अभी हम लोग की गाड़ी लगी है CNG, हम लोग पुणे में भरा रहे हैं। ये रहा पे आई लव खेड़ शिवपुर, हम लोग अभी खेड़ शिवपुर में है, यहाँ से अभी हम लोग दरगाह पे रुके थे, ये वही दरगाह का है, तो हम लोग जाते रहे हम दरगाह पे रुके थे, तो अभी हम लोग नहीं रुक रहे यहाँ पे। जो गाइस स्टार्टिंग में ही होटल जो था, ये ढाबा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये ढाबा एकदम यहाँ पे भिवंडी ढाबा जैसे था। ये देखिए आई लव भिवंडी दरबार, गाइस मुझे समझ नहीं आया शिवपुर पुणे में था पर यहाँ पे लिखा है भिवंडी दरबार, थोड़ा और है जिम्मे देखो जहाँ जाकर रहते हैं ना वो उसके वहाँ का लिखता है। अभी हम उंझा में गए थे मुंबई जायका लिखे थे, दिल्ली में देखे थे तो गुजरात जायका, मतलब अलग अलग जगह का अलग अलग रखते हैं। यहाँ पे कुनाफा भी था, ये देखिए ब्यूटीफुल फाउंटेन, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ रात में मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, बहुत ठंडी का मौसम था यहाँ पे गाइस, रात में हम लोग बैठे थे और पूरा खुला खुला था ना ढाबा, तो ठंडी लग रही थी। ये देखिए मैंने ऑर्डर करी, ये देखिए अभी हम लोग खा के निकलते हैं यहाँ से सीधा मुंबई, और अभी हम लोग पहुँच जाएंगे 12-1 या 2 बजे तक का, तो हम लोग अपने घर पर टच हो जाएंगे। करते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग पार्ट 1 भी जरूर जाके देखिए, और ये रहा पार्ट 2।